बन की खानका पुलिस चौकी पर पहुंचने के बाद नेतृत्वविहीन भीड़ पुलिस को धकियाते हुए सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर पहुंच गई और वहां जाम लगा दिया। इस दौरान छात्रों ने खेतों में पड़े फसलों के अवशेष उठाकर हाईवे के बीचों बीच रखकर उसमें आग लगाई, साथ ही बिल की कॉपी फूंक कर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए बिल का विरोध किया। जाम लगाने की सूचना पर एसएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी, पीएससी बल व कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में बुधवार की शाम बड़ी संख्या में मदरसा छात्र और नगरवासी सरसटा बाजार स्थित जामा मस्जिद पर एकत्र हुए। शाम करीब 4:30 पर यहां से शुरू हुआ शांति मार्च दारुल उलूम चौक से होते हुए खानका पुलिस चौकी पर पहुंचा। इस दौरान छात्रों ने हाथों में ली बिल की कॉपी को जगह जगह आग के हवाले किया। इस दौरान अचानक ही नेतृत्वविहीन भीड़ ने हाईवे की तरफ रुख कर दिया और मोहल्ला सराय मलियान स्थित राणा गैस एजेंसी के सामने पहुंचकर हाईवे पर जाम लगा दिया। वाहन आगे न बढ़ सके इसके लिए उन्होंने सड़क पर पत्थर डालकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि भीड़ ने पथराव भी किया, जिसके बाद लोगों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और बिल की कॉपी को आग के हवाले किया। इतना ही नहीं, भीड़ ने हाईवे पर नमाज भी अदा की। इस बीच जाम और हंगामे की सूचना मिलने पर एसएसपी दिनेश कुमार, एसडीएम राकेश कुमार, सीओ चौबे सिंह, इंस्पेक्टर यज्ञ दत्त शर्मा समेत कई थानों का फोर्स व पीएससी बल मौके पर पहुंच गया। उन्होंने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां मानने के लिए तैयार नहीं थे। देर शाम पूर्व विधायक माविया अली और मदरसों के जिम्मेदार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने उत्तेजित भीड़ को समझाकर शांत किया, जिसके बाद करीब 6:30 जाम खोला गया। प्रदर्शन और जाम के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। जाम खुलने के बाद ही आवागमन सुचारू हो सका। सीओ चौबे सिंह का कहना है कि लोगों द्वारा जाम लगाया गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने समझाकर जाम को खुलवा दिया। उन्होंने पथराव किए जाने से इनकार करते हुए कहा कि लोगों ने केवल वाहनों को रोकने के लिए सड़क पर पत्थर रखे थे, जिन्हें बाद में हटवा कर यातायात सुचारू करा दिया गया।